आज हम बात करने वाले हैं मैजिकल स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में। तो इससे पहले इसे अप्लाई करने की सेटिंग जान लें। तो ये है HTCPR, यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में और जो मंथली CPR बैक जीरो है इसे आपको 10 कर देना है। जैसे आप इसको 10 करते हैं तो हमें लास्ट 10 मंथ्स के CPR मिल जाते हैं इसमें। तो हमें क्या करना है, हमें ये मैच स्टॉक का स्टॉक है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही ये CPR यहाँ पे असेंडिंग था, यहाँ पे जस्ट एक मैजिकल टच लगा और यहाँ से प्राइस में अप हुआ है और ब्लास्ट हुआ है प्राइस में। सिमिलरली ये सेकेंड एंट्री आपको मिली थी, फिर से जस्ट टच हुआ था यहाँ पे, फिर से एक मैजिकल एंट्री आपको मिली थी। और ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से जब डिसेंडिंग CPR होते हैं तो प्राइस प्राइस रिजेक्ट करते हैं CPR से, तो एक डाउन ट्रेंड की निशानी है। और जैसे ही यहाँ पे असेंडिंग CPR बनने लगे मंथली, तो यहाँ पे बाई साइड एंट्रीज स्टार्ट हो गई है। तो एक मैजिकल इंडिकेटर है, ओवरऑल आप देख सकते हैं इसको ईयरली पिवट के साथ हमने कंबाइन किया है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैजिकल एंट्रीज हमें मिल रही है। तो इसको अगर हम दूसरे सेक्टर्स में अप्लाई करें, जैसे इंफ्रा सेक्टर है, इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिवेट्स असेंडिंग है, यहाँ पे एक डिप आई और यहाँ पे एक अच्छा अप मूव मिला हमें, प्राइस में फिर से अप मूव आया, यहाँ पे फिर से एक डिप आया पिवेट पे और फिर से एक अप मूव मिला। तो आप देख सकते हैं काफी मैजिकल इंडिकेटर है जहाँ पे हमें एंट्रीज मिलती है डिप पे, पर हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पिवेट्स पे टच नहीं होती और डायरेक्टली वो ऊपर चली जाएगी। जैसे मैं आपको ऑटो सेक्टर का दिखाता हूँ चार्ट। ऑटो सेक्टर में मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिवेट्स में प्राइस आई नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार पिवेट में एंट्री मिल गई थी, उसके बाद पिवेट्स में कोई एंट्री आपको मिली नहीं है। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि यहाँ इस केस में क्या होगा, पिवेट्स की ओर पुल बैक एक आएगा जब आपको एंट्री मिलेगी या रिजेक्शन मिलेगी, तो उस टाइम पे आपको डिसीजन लेनी है। अगर ऐसा होगा तो फिर आप इस इंडिकेटर में एंट्री नहीं ले सकते, बट फिर आपके पास और तरीके हैं जो हम आगे बात करेंगे कैसे इसको दूसरे पिवट से एंट्री लेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ मंथली पिवट्स की बात कर रहे हैं, तो दूसरे सेक्टर को देखते हैं, जैसे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी ये बहुत ही अच्छे रूप से काम करता है, जैसे ही आपको पिवेट्स की डिप मिलती है यहाँ पे तो एक अप मूव मिला है, और यहाँ पे जहाँ पे पिवेट्स डाउन साइड से है डिसेंडिंग है वहां पे आपको रिजेक्शन मिली है। अगर दूसरे सेक्टर की बात करते हैं जैसे मीडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पिवेट्स कोई अप ट्रेंड में नहीं है, एक ही लेवल पे है, तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट है और यहाँ लेफ्ट साइड से एक रिजेक्शन हो रहा है क्योंकि ये डिसेंडिंग पिवेट्स है। तो इसी तरह आप इस इंडिकेटर से डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, पर आपको इसमें बाई करना है, बाई ऑन डिप्स करना है या सेल ऑन डिप्स करना है। ये सेल ऑन रैली होता है और ये बाई ऑन डिप्स तब होता है जब असेंडिंग PVR बनते हैं। अच्छा करते हैं, वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपको कोई डाउट है आप उसे कमेंट डाल सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए मेरे फ्रेंड्स। थैंक यू, नाइस डे।